वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मटन कोरमे की रेसिपी। आइए आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गोश्त 1.25 किलो गोश्त को धोकर रखा है। ये मैंने मसाले में प्याज, 2 मीडियम साइज की प्याज, 5 से 6 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना लिया है, और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। और ये मैंने कुकर में ऑयल ले लिया है। अब मैं इसे गैस पर रखकर मसाला गोश्त को फ्राई करूँगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है और ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो मैंने गोश्त को धोकर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसे हम नमक डालकर मिक्स कर देंगे। नमक भी हम अपने टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे। और उसे नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स करके थोड़ा सा पानी सूखने तक इसे हम भूंजेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने तेल में गोश्त को ऐड कर दिया है। अब हम इसे गोश्त का पानी सूखे तक हम इसे भूनने देंगे। जब इसका पानी सूख जाए फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, गोश्त का पानी सूख चुका है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। ये दही को भी हम डाल के मिक्स करके दही का पानी सूखने देंगे। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड नहीं किया था, अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड करूँगी। मैं ये 1 चम्मच से थोड़ा सा कम अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड करूँगी। ये पिसा हुआ अदरक लहसुन है, मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी। और जब हमारा गोश्त का पानी सूख जाए, दही का पानी, फिर हम इसके अंदर ये मसाले ऐड करेंगे। अभी गोश्त में बहुत ज़्यादा पानी है, दही का पानी छूटा है। जब ये पानी सूख जाए फिर हम इसके अंदर अपने मसाले, जो हमने ग्रीन मसाले पीस कर रखे ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमारा दही का पानी सूख चुका है। अब हम इसके अंदर जो मसाले पीस कर रखे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया भी ऐड करेंगे, आधा चम्मच मैं इसके अंदर धनिया भी ऐड करूँगी। वो मैं आपको बताना भूल गई थी। ये मैं इसके अंदर आधा चम्मच धनिया भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिए थे। अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हम इसे भी अब मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा सा पानी सूखे तक भूनने देंगे। फिर हम उसके बाद इसके अंदर अपनी ग्रेवी के हिसाब से वाटर ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना वाटर ऐड कर सकते हो। अभी बार हम इसे भूनने देंगे। ये आप देख सकते हैं, हमारा मसाले का पानी भी सूख चुका है और ये ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ गया है। अब हम इसके अंदर अपनी ग्रेवी के हिसाब से वाटर ऐड करेंगे। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए, ये मैं अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसके अंदर वाटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया। अब मैं इसे मिक्स करके इसका प्रेशर लगा दूंगी और 1 सीटी हो जाए इसके बाद फिर हम इसे धीमी आंच करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारा गोश्त एकदम गल जाएगा और ये ग्रेवी भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगी। मुझे थोड़ा सा और पानी चाहिए, मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी। अब मैं इसका ढक्कन लगा के एक सीटी तेज़ आँच पर आने दूँगी। फिर मैं इसे धीमी आँच करके 25 मिनट के लिए पकने दूँगी। ये आप देख सकते हैं, हमारा सालन अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये कितना ऑयल आया है ऊपर। ये हमारा सालन बनकर रेडी हो चुका है और ये हमारे गोश्त भी, मटन भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब मैं इसके अंदर समार ऐड करूँगी। मैंने हरा धनिया धोकर रखा था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये थोड़ा सा मैं मीट मसाला ऐड करूँगी। ये मीट मसाला है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी और इसे मैं आपको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये कोरमे का सालन बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप भी इसे बनाएं खाएं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है सालन, कितना अच्छा ऑयल ऊपर से आया है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने सब सामान 1.25 किलो गोश्त के हिसाब से लिया था। अगर आपका गोश्त ज़्यादा है तो फिर आप उसके हिसाब से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 6-7 मिर्च, ग्रीन चिली यूज़ किया था, आप 10-12 ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हो। ये सब आपके टेस्ट के मुताबिक है, आप जितना तीखा पसंद करते हो आप उसके हिसाब से अपने सामान को ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको इसे डिश आउट कर दिखाती हूँ।
ये आप देख सकते हैं हमारा मटन कोरमा बनकर रेडी है। आप भी इसे बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।